हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस हम चल पाए हैं, हमारे रैक से पहले हम लोग जा रहे हैं देखना 3 दिन के कैंप के लिए। भाई साहब 15 किलो का वेट है पूरा, चल के देखो हमारी हालत कितनी पतली हो गई है, लेस बांधने की तक हिम्मत नहीं आ रही है। आज का ये बैग का भारीपन बहुत भारी पड़ रहा है मेरे पास, बहुत भारी है। जिसने भी काम चोरी की होगी पहले सामान निकाल के रखे होंगे, उसके लिए आज बहुत टफ पड़ रहा होगा। ये देखो सब थक गए हैं भाई, यहाँ लगाए थे बैग। तो कुल मिला के हम तब थकाई, यार थकाई तो लगी, बहुत सारी थकाई लगी, लेकिन ये जरूर हुआ है कि थकाई लगने के बाद हमने जो खाना मिला ना बहुत बेहतरीन खा रहा था, तो उसने सारी थकावट को मार दिया है। टेक्निक बताइए कि जैसे आपको ठंडा पानी पीना है, अगर आपको उसको गर्म करना है कैसे करेंगे? क्योंकि ठंडा पानी है, इसको डालेंगे हम पहले थोड़ी देर से मुँह राउंड लेना है, इसको मुँह राउंड लेने के बाद थोड़े में नॉर्मल में आ जाएंगे, फिर आप इसको पी सकते हैं, इससे आपका गला भी नहीं बैठेगा। यहाँ आते बहुत सारी चल बोला हूँ, और आज मेरी फटी पड़ी है, देवतरा मत खाइए, मौसमी मत खाइए, बर्फ़ मत खाइए। इनका कहने का मतलब है अपना तो खा लेना, दूसरे का संतरे मत खाना। देखते हैं टेंट कैसे बनाया था, गोल टेंट। आज से हमें टेंट में रहना है, तो इसलिए हम टेंट कैसे लगाया था ये देखेंगे अभी। अभी हमें दिया जा रहा है टेंट लगाने का डेमो। तो हम भी लगाते हैं अपना टेंट, सभी लौंडों की मेहनत से हमने टेंट तैयार कर लिया है, सभी से पहले हमारा टेंट बन के तैयार हो चुका है। हालत खराब हो गई है ये टेंट लगाने में, ये तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, लेकिन इतना पता लगा कि ये टेंट आसान नहीं लगाना, इसके लिए पूरा टीम वर्क चाहिए। तो 10 लोगों का ग्रुप हमारा एक टेंट के अंदर सोएगा, काफी अच्छा स्पेस है ये हमारा टेंट। ये मेहनत में लगे, मेहनत कर रहे हैं लौंडे यार। हमारा ये हो गया टेंट तैयार, अब हम आज से रहेंगे इसी टेंट में। तो कैसा लग रहा है टेंट में आके? बहुत बढ़िया। ओ कैजुअलिटी को ऊपर ले जाने की प्रैक्टिस। तो हमारी एक क्लास हो चुकी है, मिट्टी जितनी हिसाब से बजाएंगे उसी हिसाब से वहाँ पे ऊपर से जो बिले कर रहे होंगे, जो हमें सुरक्षा दे रहे होंगे, जो खींच रहे होंगे, वो इसी हिसाब से करेंगे। तो इसलिए सीटी कभी भी हो रुकवाना है तो लंबी सीटी, और अगर उनसे कहना है कि खींचते रहो तो छोटी सीटी, तो जुमार से वो होना है काम। रेस की देखो ये कैजुअलिटी है, और दो इस रेस को कर रहे हैं जुमार की सहायता से, स्ट्रेचर बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बहुत स्मार्ट आ रहे हैं, फीसर में नॉट लग रही है यहाँ पे, दो रस्सी को जोड़ने वाली सेम जो डायमीटर वाली होती है। सही लगाना, जरा सही से लगाना भाई, खाली फॉर्मेलिटी वाली मत कर देना। फीसर में नॉट लगाओ यहाँ पे, खाली आपदा आपदा करके हमारा आपदा बनाओगे। हाँ ऑफिस में ले जाओ, वहीं ले जाओ, हाँ जाओ, उनको भी बांध दो पहले। तो हम कर रहे हैं कैजुअलिटी को बिले, हमने नीचे कैजुअलिटी को ऊपर को जब नीचे से जो कैजुअलिटी को लेकर आते हैं स्ट्रक्चर में वो बिले कर रहे हैं, चलो कुछ चीज़ बिले करने के लिए। इतने लोग चाहिए हमें बिले करने के लिए, किसी गहराई से अगर कोई कैजुअलिटी है उसको स्ट्रक्चर में लाने के लिए। तुम्हारा आगे बढ़ा, 3 प्रकार के हमने रेस्क्यू सीखे हैं। तो अब हमारा शाम हो गई है, चाय का टाइम हो गया, तो हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। सामने पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, देखो देखो एक ऊपर में हमारा टेंट है ऊपर पे, और ये सामने 3-4 टेंट इधर लगे हैं, और वो सामने पे हमारे जो स्टाफ जो कंट्रो हैं, जो हमें टीचर्स हैं हमारे, उधर हैं लगी है लाइन खाने के लिए रात की, और कुछ लोग तो यहाँ खाने के लिए बैठ भी गए हैं, खाना खा रहे हैं। सो गाइस हमने खा लिया खाना, अब हम आ गए हैं अपने टेंट में। तो हमारे दोस्त लोग बाकी सभी लोग बैठे हैं टेंट में, खाना काफी अच्छा बना था, चार चिकन था, और बाकी सब्जी तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और दाल भी थोड़ा सा नमक कम था, मतलब कुल मिला के सिंपल और सादा खाना था, बस चिकन थोड़ा सा अच्छा था। कल जो परसों हमने चिकन खाया था वो ज्यादा बेहतरीन चिकन था, आज वाले चिकन में उतना मजा नहीं आया। और ठंडा भाई साहब यहाँ गजब हो रहा है, मैं तो सोया हूँ ये खिड़की के सामने, और यहाँ पे ज्यादा हवाएं ज्यादा आई। देखो खांसी से हालत खराब हो गई है। हमें मिला है स्लीपिंग बैग, हम सोए हैं स्लीपिंग बैग ओढ़ के, और टोपी भी पहन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा है भाई साहब। अगर आप पैर बाहर निकाल के सोए ना तो आपका पैर सुन्न हो जाएंगे, तो इतना ठंडा है, बहुत टफ टास्क हो रहा है। लेकिन कैंपिंग मजा अलग आ रहा है कैंपिंग का वैसे, लेकिन इतना जरूर है कि हम आसान समझते थे इससे पहले कैंपिंग को कि हाँ भाई कैंप लगा लिया कहीं भी रह जाएंगे ऐसे सो जाएंगे, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए इसके लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करके जाना जरूरी है, इतना मेरा मानना है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय।